हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कोई चटपटी या मसालेदार नहीं, बल्कि ठंडी ठंडी समर स्पेशल, दिलो दिमाग को एकदम ठंडी कर देने वाली मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटका मलाई कुल्फ़ी। मटका कुल्फ़ी ना खाने में बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही डिलीशियस होता है इसका टेस्ट। आज जो हम मटका मलाई कुल्फ़ी बनाने वाले हैं ना, उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली बनेगी हमारी मटका मलाई कुल्फी। हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एकदम मार्केट स्टाइल मुंह में घुल जाने वाली मटका मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम 1 लीटर दूध। आप कोई भी जो है दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फुल फैट मिल्क हो तो बहुत अच्छा है। अच्छे से इसे हम एक बार स्टर कर लेंगे। पानी डालने से हमारा जो दूध है ना, वो तली में बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे, और जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को हम लो कर देंगे। दूध को एक बार अच्छे से चला लीजिए। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी केसर के धागे, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है। आप चाहें तो इसकी जगह देसी खांड या फिर मिश्री का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे जो है हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर जो है एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लो फ्लेम पर हम 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, ताकि हमारा दूध जो है ना अच्छे से थिक हो जाए। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद ही हमारी जो है ना अच्छी सी मलाई आने लगी है दूध पर। अच्छे से इसे स्क्रेप करके दूध में मिक्स करते रहिए। अब यहाँ पर मैं जो है 1/2 कप मिल्क इसमें से निकाल लूँगी, ये देखिए, और इसे हम साइड में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने देखिए 10 से 15 जो है ये बादाम लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से जो है पानी में, गर्म पानी में भिगो दिया था 2 घंटा पहले। इसी तरह से मैंने जो ये मेलन सीड्स हैं, इन्हें भी जो है अच्छे से पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब इनका पानी मैंने निकाल दिया है और बादाम को छील लिया है। ये देखिए, दोनों रेडी हैं। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें जो है बादाम और मेलन सीड्स को डालकर हम एक पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम लिड लगा देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अगर मिक्सर ग्राइंडर ना हो तो आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। और ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो कितने अच्छे से पिस गया है। ये देखिए, इस तरह का हमें जो है इसका पेस्ट बनाना है। अब 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप मिल्क में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जो है कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्नस्टार्च या अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हम अपना दूध देख लेते हैं। ये पहले से ना देखिए क्वांटिटी में भी कम हो गया है, पहले से काफ़ी जो है ये गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे 10 से 12 मिनट हुए हैं पकते हुए। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा जो है बादाम और जो मेलन सीड्स का मिक्सचर, और अच्छे से इसे एक बार जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ताकि ये तली में ना लगे, इसलिए इसे लगातार 1 से 2 मिनट चलाते रहिए। हमें इसे जो है 2 से 3 मिनट ही पकाना है। ये देखिए, पहले से ना काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो गया है हमारा मिक्सचर, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर रेडी किया था उसे, और इसे भी हम जो है अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो तली में लग जाता है। इसे आप जो है लगातार चलाते रहिए और 3 से 4 मिनट तक पकाइए। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद ये परफेक्टली कुक हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, स्पैचुला पे आप इसकी जो थिक कोटिंग है वो देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे जो है पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा जल्दी हो तो किसी परात में पानी रख के भी इसे रख सकते हैं। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है ना वो कितना गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कितना क्रीमी और थिक बना है ये। ये देखिए, अब हम जो है इसे जो है अच्छे से पहले ग्राइंड करेंगे। उसके लिए लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा मिक्सचर जो है इसमें पोर कर देंगे और लिड लगाकर इसे जो है ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी मिक्सचर जो है बनकर बिल्कुल रेडी है।
ग्राइंड करने से इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमते हैं, एकदम स्मूथ जो है हमारी मटका मलाई कुल्फ़ी रेडी होती है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं इस तरह के छोटे छोटे जो ये मटका टाइप जो मोल्ड आते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ना भी हो तो आप इस तरह के डिस्पोजल कप्स ले सकते हैं या फिर ग्लास या कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम जो है अपने मटकों में फिल कर देंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी और रिच बना है हमारा मिक्सचर। यकीन मानिए आपकी जो कुल्फ़ी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा रिच, क्रीमी और एकदम मार्केट स्टाइल बनने वाली है, बहुत ही अमेजिंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जो है अमेजिंग रेसिपी है। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा केसर वाला जो है दूध मैंने यहाँ पर जो है डाला है, ये देखिए, ताकि ना देखने में भी ये बहुत सुंदर लगे, खाने में तो ये टेस्टी और डिलीशियस बनेगी ही। और ये देखिए हमारी जो मटका कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी है फ्रीज होने के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसे जो है कवर कर देंगे इस तरह के क्लिंग रैप या प्लास्टिक शीट से, या फिर आप जो फॉइल पेपर आता है ना उससे भी इसे कवर कर सकते हैं। इस तरह का जो रबड़ बैंड आता है उसे हम जो है लगा देंगे, ताकि हमारी आइसक्रीम जो है बिल्कुल जो है स्मूथ बने, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल इसमें ना जमे। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मैंने जो है सभी जो है अच्छे से रेडी कर लिए हैं। जो मिक्सचर बच गया था उसे मैंने इस तरह के डिस्पोजल कप्स में जो है डाल दिया है। अभी ने हम जो है फ्रीज होने के लिए रखेंगे ओवरनाइट या फिर 8 से 10 घंटे के लिए। और ये देखिए ओवरनाइट रखने के बाद हमारी मटका मलाई कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी जो है ना अमेजिंग बनी है। ये देखिए बाहर से ही पता चल रहा है हमारी आइसक्रीम ना कितनी अच्छी बनी होगी। वाओ, इट्स ऑसम। देखने से ये जितनी अच्छी लग रही है ना, यकीन मानिए कट करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी क्रीमीनेस, अंदर से कितनी ज़्यादा रिच और क्रीमी बनी है हमारी मलाई कुल्फ़ी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। इसी तरह से जो है सारी आइसक्रीम, सारी कुल्फ़ी हमने जो है बना ली है और बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनी है ये। ये देखिए कितने अच्छे से जो है ये फ्रीज हुई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल इनका टेक्सचर मार्केट स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस। और जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना, उसके लिए सबसे पहले आपको रेसिपी जो है देखनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी, फिर आप इसे टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी रेसिपी है। आप इसकी क्रीमीनेस देख सकते हैं, जैसे ही आप इसकी एक बाइट लेंगे ना मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी है। ये देखिए आप घर पर बच्चों को इस तरह की जो है रेसिपीज़ बना कर दीजिए और उन्हें जो है खुश कीजिए। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें सभी को बेहद पसंद आती हैं, और ये बनाने में इतने सिंपल है कि इसे कोई भी बना ले। बहुत ही टेस्टी, आसान और डिलीशियस मटका मलाई कुल्फ़ी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल चटपटी चटोरी रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।